का फाइनल गाइस। हेलो, हम जा रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं, अभी रास्ते में बता दो कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम उजवे करने क्या जा रहे हैं? क्या नोतने जा रहे हैं? कुछ तो होता ना भाई, हमें कुछ नहीं पता, हम नीचे आके बताएंगे क्या जा रहे हैं। आप भेली कहते हैं, पता नहीं क्या कहते, क्या कहते हैं भाई भेली? किसको? इसको पता नहीं, इसमें पताशे है, पता नहीं क्या क्या है। ओलिव क्या कहते हैं भाई इसको? देखिए मेरी माँ है, किसी काम की नहीं है। हाँ मैं बेकार हूँ, चलो जल्दी। मैं कुछ नहीं करती, कोई बात नहीं। ओलिव को कह रहा है, वो ओलिव कुछ कर नहीं रही है। घुमा के ला बाहर तक, घुमा के ला। देख दूसरे परिवार वाले वहाँ वेट कर रहे हैं, एक गाड़ी और आ गई। काम करा नहीं, उंगलियां दर्द हो गई, कह रहे हैं। वाह बंद कर दो डिग्गी। चलो गाइस डिग्गी करे बंद, बाइक पर लगेगी तो नहीं? नहीं बहुत दूर है। रियान डबास तो मेरे साथ बैठेगा। ओके रियान डबास, क्या मामू के शूज अच्छे लग रहे हैं? थैंक यू, आई लव यू। कैसे लग रहे? ओहो अद्भुत। ये बच्चे की तबीयत खराब है, ये दूध वाली उल्टी कर देता है, इसको लेकर नहीं जाना। इसकी माँ ही है, ऐसी इसकी माँ की परवरिश है, बच्चे को उल्टी कराते। चलो गाइस हम चले। गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी में, अब गाड़ी करेंगे स्टार्ट। जय श्री राम। और हम चलेंगे अब। ये डिग्गी वाले बच्चे दोबारा आ गए, कह रहे डिग्गी में सामान रखना है। बताओ क्या तमीज क्या है भाई, बार बार डिग्गी खुलवाते जा रहे हैं मुझसे। एक बारी में ये नहीं सामान धर दे, रख दे भाई। ये हमारे घर के मिस्त्री, ऐसे होता है भाइयों की शादी में, ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पड़ोसियों को बुलाएंगे। गाइस अब हम चलते हैं अपनी जर्नी अपने मामा के घर। मामा के घर पता नहीं बात बात का कोई सिस्टम है भाई, वो करने जा रहे हैं। मेरे को तो शादी करने का तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में। श्रुति आराम से बैठी, आज श्रुति से नहीं मिल रहा। आज मैं अकेले व्लॉग बनाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, दिखाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, मेरे साथ क्या होगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा। गाइस हम पहुँचने ही वाले थे बट हम जुदा हो गए, हमारी दूसरी गाड़ी आई नहीं है, अभी आ रही है, पीछे वो रह गए हैं। अब उनको लोकेशन गाइड कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए रोड पर, हम वेट कर रहे थे भाई। और पता नहीं क्या होने वाला है आज, मुझे भी नहीं पता, ये सब मेरे लिए नया है, सब नया है सब। देखो ये कैसे अपनी टांगे सीधी कर रहा है रोड पे खड़े होकर। वाओ फाइनली वी आर अबाउट टू रीच। ये ट्यूबवेल है और ये खेत ही है, दूर दूर तक चारों तरफ खेत हैं और ये मोए मोए हैं। मोए मोए यहाँ की जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत शांत है, यहीं रहना चाहिए अगर आदमी को सुकून चाहिए तो। दिल्ली में तो कुछ नहीं रखा। वो गन्ने हैं देख सामने, मुझे गन्ने, मैं घर पे ही गन्ने हैं तो, मैं घर पे ही गन्ने हैं तो है? तो क्या करता उस तो का? हां और मैं चूसता हूं, खाता नहीं। ओ वाओ, और ऐसा चूसता, ऐसा ठीक है गाइस। वाओ आपने भी खुल के बेइज्जती कराई आज। मोड लेनी चाहिए, सामने लोग वेट कर रहे हैं, ये देखो कितने लोग हैं। ये तो आधे हैं, अभी तो और भी आएंगे। प्लीज मेरे को डर लग रहा है, मेरे को यहाँ से ले जाओ, ये क्या बात हो रही है? जैसे ही दूल्हा आएगा उसको लपक लेंगे। ये बात है क्या? ये तो डराने के लिए खड़े, लोग मारेंगे हमें। ये मंदिर है, यहाँ हमें गाड़ी रोकनी है, यहाँ कोई हमारे रिचुअल्स होंगे सारे। गए हैं अपने मामा जी के घर, अरेंजमेंट्स। अब हम जाएंगे ऊपर बैठेंगे, वो लोग आ रहे हैं हमारे पीछे। हम पहुंच गए अपने घर, मामा जी ने खाने का अरेंजमेंट कर रखा है, गद्दे वद्दे बिछा रखे हैं, हम तो चल रहे ऊपर भाई, हमारा डिपार्टमेंट ऊपर। अभी तो कोई है नहीं घर में, चलो भाई बैठो। भाई मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने समोसा ले लिया, भाई ने समोसा खाया। बहुत देर हो गई थी वेट करते, भूख लग रही थी पूरे रास्ते, तो बस अभी समोसा खा के काम चला रहा हूँ, पता नहीं कब मिलेंगे खाने को। थोड़ा बहनों को चढ़ाता हूँ मैं, समोसा खा रहा हूँ, ऊपर देखेगी ना तो दिखाऊंगा। फोटो खिंचवाए, फोटो
जो भी हो रहा है, दूध और चावल है, इसे छू रहे हैं कुछ, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं भाई इस रिचुअल को, पैर धोना, पग धुलाई दूध से। तो के बच्चे तो किसी काम आते नहीं, आके बस राशन पीलते हैं, जूस पी रहा है। सर राशन पीने आए हैं दोनों ना यहाँ, जब से आई है चरने पे लगा रखा है दोनों को कि बेटा को छोड़ना मत यहाँ पर ना, आओ साइड हो जाओ भाई, नहीं मान रही ना, देख कोई खाता हुआ नहीं दिख रहा तेरे अलावा, तेरे बच्चे और तू छोड़ नहीं रहे एक भी राशन की दुकान। मामू आ रहे हैं, मामू भाई नीचे संगीत का फंक्शन चल रहा है, संगीत हो रहा है। A few hours later. भाई मजा आया भाई, ये गिया लगा रखा है इन्होंने घर के अंदर, और ये गाय के लिए जगह है, ये चूल्हा है, चूल्हा ये गंडासा भाई, जो पूछते हैं गंडासा क्या होता है, ये होता है, ये गाय के लिए है, अभी नहीं बांध रखी यहाँ पर। रियान को मैंने ऊपर बिठा दिया, ये नीचे उतरने में डर रहा है। ठीक है रियान मैं जा रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाहोगे व्लॉग में? मुझे नीचे उतार दो। नीचे तो नहीं उतार रहा, आप खुद नहीं उतर सकते नीचे? हाँ उतार दिया, अब क्या बोल रहा है बोल। बोलो बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। वाह हमने कुछ खाया है, अब हम वॉक पे आए हैं, ये लगा ही रहता है फ़ोन पे, ये मेरा भाई छोटा आई, अभी हम आए वॉक पे, और ऐसी जगह वॉक करने का इतना अच्छा लग रहा है। हमने थोड़ा लंच लेट करा है, और लेट लंच के बाद अब हम आ गए हैं थोड़ा सा घूमने बाहर। भाई घर से फ़ोन आया है, घर से फ़ोन आया, घर देख बच्चा है अभी पैदा हुआ नहीं, घर वाली हो गई इसकी, घर से फ़ोन आया है। अरे घर से आया मतलब उसका दादू का फ़ोन, का दादू दादू उसके है ही नहीं कोई। अच्छा एक भाई हमारा बहुत मेहनत कर रहा है, डाल रहा है ये बीज, और एक ये भाई हमारे ये भी बीज ही हैं, ये मेहनत नहीं करते। तो भाई धीरे धीरे हम सारे आ गए अपने खेतों में, ये मेरे मामा के बड़े दादा की समाधि है, छोटे दादा की, और ये कुआ है, कुआ इसमें सांप भी है, 70 साल पुराना है, 70 साल पुराना कुआ है ये, और ये है मेरा मामा हर की जमीन, ये वाली सारी जितनी दिख रही है ना दूर दूर तक, जिसमें सरसम उगी हुई है, ये इनको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से फुर्सत नहीं है, ये देखो ओहो एक और कही अपना बच्चा लेके भाई, ये मस्त मटकों का पानी पीते हैं और प्याज जाते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें, पीछे ना यहाँ पर ट्यूबवेल है, थोड़ा सा छोटा सा हुदी बना रखी है, और वहाँ पर ना इन्होंने अपनी घर की खुद की सब्जियाँ जो होती है ना, देखो पेड़ पे घिया टंग रहा है, और ये सारे मूली वगैरह, और रस्सा भी रख रखा है, जो रस्सा करते हैं ना अखाड़े वगैरह, और पीछे वो तालाब है,
तालाब दिखा दो तुम्हें बहुत पीछे, ये रहा। इसमें बेसिकली भैंस जोड़ टाइप है, ये भैंसे नहाती है इसमें। ये कुत्ता मेरा साथ नहीं छोड़ रहा, इसको मुझसे प्यार हो गया लगता है। और आओ भाई साहब, चलो नाना जी, बड़े नाना जी, छोटे नाना जी, बाय बाय। इस पे देखो भाई, चला तो जा नहीं रहा, सिंगल सिंगल आदमी की जगह है, और इस आदमी को छत पर बिठाना पड़ा। और पीछे वो आ रहे हैं सारे, ओ वाओ, डॉग फाइट कर रहे, कौन जीतेगा? WWE। देख कैसे एक लाइन में आ रहे सारे। कैसे आ? और WWE चल रहा है। WWE चल रहा है? हाँ। रियान मेरी गर्दन। माओ के कहाँ जा रहे हैं वैसे? वैसे जहाँ पे, जहाँ से आए थे वहीं पर। अच्छा, अब आपने देख लिया खेत कैसे होते हैं? मैंने तो अपने फार्म हाउस जाके भी देख लिया खेत कैसे होते हैं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ओ चलो भाई, चलने का टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। सब कर रहे हैं अब एक दूसरे को बाय बाय टाटा, सब आ चुके हैं। अब हम गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे। मामा जी और चाची बातें कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, अब हम निकलते हैं। ओके बाय गाइस।